अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के वार थम ना सके, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद जहां बाहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 2417 नए मरीजों की तशखीस हुई है। मलेशियन हुकाम ने PIA का एक तैयारा अदालती हुकुम पर तहवील में ले लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफरों और अमले के अरकान की वतन वापसी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। अपोजिशन के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि PDM वाले जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हुकूमत ने 1 से 8वीं तक क्लासेस खोलने की तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी। 1 से 8वीं तक क्लासेस 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। बाबा रहमान कहते हैं गुज़िश्ता 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम नहीं हुई, हर मसले पर इस्लाहात करने को तैयार हैं। चेयरमैन नैब कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सलीम मांडवी वाला बोले, चेयरमैन नैब हमें आकर बताएं उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। मुर्गी का दिल लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं क्रिकेटर्स के लिए बोर्ड का किरदार वालिद जैसा होता है। JMBA सोसाइटी अरमदा में मेमन कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब के मेहमान खास सदर ऑल इंडिया मेमन जमात फाउंडेशन इकबाल मेमन थे। अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 1 माह के दौरान दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ने मुल्क में अदायगी के तरीक़ेकार में एक अहम संगे मील अबूर कर लिया। पाक डाटा कॉम लिमिटेड के कैश डिविडेंड को रास्ट पेमेंट गेटवे के जरिए प्रोसेस कर दिया गया। मुल्क में कपास की पैदावार में कमी, टेक्सटाइल सेक्टर की बका को खतरात लाख हो गए। वसी पैमाने पर बरामदी ऑर्डर मिलने के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर बैरूनी ऑर्डर पूरे करने से कासिर। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने मजीद 61 अशिया को लाजमी फहरिस्त में शामिल कर लिया। इन अशिया की तैयारी और फरोग के लिए PSQCA से रजिस्ट्रेशन और कौमी मयार की पासदारी लाजमी होगी।